भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार से मीरपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज जीतना है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश रहेगी कि वो अपनी कमियों को दूर कर दूसरे टेस्ट को जीत सीरीज को बराबरी पर खत्म करे। बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 188 रन से धूल चटाने के बाद अब भारतीय रणबांकुरे मीरपुर टेस्ट में भी अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए बेताब हैं। हालांकि पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी नियमित कप्तान रोहित शर्मा का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे में ओपनिंग का दारोमदार कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल के ऊपर ही एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वैसे भारत की नजर सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। टीम इंडिया के बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने पिछले मैच में शतक ठोका था। श्रेयस अय्यर आर अश्विन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, हालांकि केएल राहुल फॉर्म में नहीं दिखे थे। गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और तेजी में मोहम्मद सिराज से एक बार फिर उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वैसे भारतीय टीम का बांग्लादेश में टेस्ट रिकॉर्ड बेहद शानदार है। टीम ने अब तक बांग्लादेश में 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम की नजर 2010 के प्रदर्शन को भी दोहराने की रहेगी, जब टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया था। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो इस टीम ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से वो काफी नहीं रहा। इस टीम की सबसे बड़ी जरूरत अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करने की है, जिससे टीम दूर ही दिख रही है। वैसे अगर टीम को सीरीज बचानी है तो उसे खेल के हर डिपार्टमेंट में खुद को मजबूती के साथ सामने लाना होगा। भारत के लिहाज से ये सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ अगर बांग्लादेश पर क्लीन स्वीप होता है तो यकीनी तौर पर टीम इंडिया को इस बात का फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।